ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस के सेकंड पैराग्राफ को, एनसीईआरटी पेज नंबर 62। न्यूक्लियस हमने देखा था, न्यूक्लियस एक्चुअली होता क्या है। तो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसके अंदर इंक्लूज होता है क्या, हमारा डीएनए, ठीक है। और ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में, ठीक है। और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है एक फ्लूइड जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस को समझने की कोशिश करें तो न्यूक्लियस क्या होता है एक्चुअली में, तो ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और ये ऑलवेज अगर लिविंग सेल्स की बात करें, अगर हम सेल्स अगर है तो ये हमेशा डीएनए ही होगा जेनेटिक मटेरियल, आरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल सेल्स में नहीं होता, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है। वायरस, ये वायरस के केस में जो होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें सेल्स की, लिविंग वर्ल्ड की, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज डीएनए ही होगा। क्या लगता है कुछ और छूटा है इसमें, क्या न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ होता है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और डीएनए के अलावा कुछ और भी होता है? तो हाँ होता है, प्रोटीन्स याद होगा आपको, ठीक है। और ये प्रोटीन्स मेनली हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए हमारा रैप्ड होता है, ठीक है। और याद होगा एक यूनिट को, यानी डीएनए अगर रैप्ड है हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, तो इसे हम एक नाम देते हैं, याद है आपको, इसे एक नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम, याद है, इसे नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, अगर न्यूक्लियोसोम को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये होता है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। क्या होता है ये, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये भी बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये ऑक्टामर होता है, मींस 8 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, साथ में एक साइड यूनिट भी होता है जिसे H1 नाम दिए थे, है ना। यानी अगर इसे हम इसे सारी यूनिट्स को का नेमिंग करने की कोशिश करें तो ये होता है H2A, ये होता है H2B, H3 और ये होता है H4। इसको आप दो से मल्टीप्लाई करो, यानी ऐसा वाला एक पीछे भी होगा इसके, यानी इट मीन्स ये टोटल 8 हो गए, 8 सब यूनिट से मिलकर बना होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, और साथ में एक साइड यूनिट भी होता है जिसे बोलते हैं H1, ठीक है। तो बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसके अरेंजमेंट पूछ सकता है, है ना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इतना ही न्यूक्लियस को लेकर, हमने ये भी जाना था कि न्यूक्लियस में कई सारे पोर्स होते हैं उसके मेम्ब्रेन पे, ठीक है। वो पोर्स जो है कई सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। वो पोर्स आखिर कैसे प्रेजेंट होता है, वो पोर्स को बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोरिंस, ठीक है। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये हमारा सेल और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये इसका हो गया न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होता है, पता है, या आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। होता क्या है कि इस मेम्ब्रेन पे ही कई सारे पोर्स होते हैं जिसको बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। देखो ये है प्रोटीन्स, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि उनके बीच में एक टनल बन जाता है, ठीक है, एक चैनल बन जाता है जिसके थ्रू जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है ना। देखो ध्यान से, ये रहे वो प्रोटीन्स, है ना, ये रहे वो प्रोटीन्स, ये वाले थे, ये रहे वो प्रोटीन्स, और ये बीच में उनको ये दिखाई दे रहा है ना राउंड शेप, यही है वो टनल। अगर इसे आप 2D में, 3D में देखोगे, ठीक है, तो आपको बताए थे कि ऐसा दिखता है ये इस तरह का, तो यही है वो न्यूक्लियर पोर्स जिसे हम देख रहे हैं 3D में, ठीक है, इसे निकाल कर देख रहे हैं 3D में, ये 2D में दिखेगा, और अगर इसे 3D में देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा इस टाइप, ठीक है। और ये रहे यहाँ पे, ठीक है, ये रहे वो पोर, ठीक है, ये रहे वो प्रोटीन्स और ये रहे वो पोर, ठीक है, इसी के थ्रू जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा, या तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, यानी कि अंदर से बाहर भी हो सकता है और बाहर से अंदर भी मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है, ये हमने पढ़ा था।
तीन मटेरियल्स का चेंज हो सकता है। तो मेनली जो होता है अंदर से बाहर की तरफ, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ जिन मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो क्या होते हैं, मेनली होते हैं वो आरएनए। ठीक है, मैंने बताया था कि तीन तरह का आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, यही वो आरएनए है जो मैसेज लेकर आता है कहां, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, और उसको बताता है कि किस तरह का प्रोटीन बनाना है, है ना। ये एक डीएनए का मैसेज होता है, एमआरएनए जो है वो डीएनए का मैसेज होता है, वो मैसेज क्योंकि डीएनए खुद न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, मैसेज को बताता है, मतलब बताने के लिए कि सेल को क्या करना है। ठीक है, वो वहीं बैठकर मैसेज भेजता रहता है। फिर टीआरएनए का काम क्या था, टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को पकड़ करके लाता है कहां, राइबोसोम के पास, ताकि राइबोसोम क्या कर सके, अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ करके प्रोटीन का चेन बना सके। ठीक है, और हमने देखा था आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी राइबोसोम बना ही होता है आरआरएनए और प्रोटीन का, जो कि अच्छा ये बनाता कौन है राइबोसोम्स, तो न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही एक रीजन होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, डीएनए का ही सेगमेंट होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है मेनली वो। ठीक है, काफी डेंस बॉडी होता है, तो मैं अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, इनफैक्ट सेल डिवाइड कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है, अगर सेल डिवाइड कर रहा हो तो रेयरली दिखेगा, लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो तुम्हें न्यूक्लियोलस बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, और न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम सिंथेसिस करना। ठीक है, यानी प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम और राइबोसोम फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में हम लोग। ठीक है, तो पढ़ते हैं, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी जब भी कोई सेल डिवाइड करने वाला होता है या डिवाइड करता है, सेल जब रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो यही न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है, यही है जो बताता है सेल को कि कब डिवाइड करना है, कब नीड है सेल को डिवाइड करने की। द प्रोसेस ये क्या होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक सिंगल सेल जो है डिवाइड करके क्या करते हैं, डाउटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, एक सेल जो है डिवाइड करेगा तो दो सेल्स इससे बनेंगे और उन्हें हम लोग डाउटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, डाउटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, It also plays a crucial part along with environment in determining the way the cell will develop. ठीक है, यही वो न्यूक्लियस है जो ये डिटरमाइन करेगा कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अगर हम जायगोट की बात करें तो जायगोट के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या बनाने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जायगोट ह्यूमन का है तो वो जायगोट क्या बनाएगा, ह्यूमन में भी बनाएगा, है ना, इसका मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन है। यही वो न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए है और जिसके पास इंफॉर्मेशन है जीन्स के रूप में कि वो क्या बनाने वाला है। ठीक है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म बनने वाले हैं। ठीक है, उसके उसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो किस तरह का होने वाला है। ठीक है, उसके आइस कलर कैसे होने वाले हैं, हेयर कलर कैसा होने वाला है, हाइट कितना होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ डीएनए के साथ साथ डीएनए को आप किस्मत समझ सकते हो, आपकी ये किस्मत है। ठीक है, किस्मत को बदला भी जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे डीएनए में लिखा है कि हमारी हाइट जो है वो 5 feet 10 inches होने वाली है, इमेजिन। ठीक है, 5 feet 10 inches होने वाली है, लेकिन अगर वो बेबी जो है, ठीक है, जो होने वाला है, जिसके जीन में लिखा हुआ है कि ये 5 feet 10 inches का होने वाला है, ठीक है, अगर वो बेबी अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स जो भी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए बॉडी के ग्रोथ के लिए, अगर वो नहीं लेता है तो क्या वो बेबी जो है 5 feet 10 inches का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डिपेंड करता है, सिर्फ किस्मत से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी किस्मत में लिखा है, मान लो कभी आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, ठीक है, और आपको बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम गए घर और चादर ओढ़ के सो गए, ठीक है, क्या होगा, बन गए डॉक्टर क्या, बन जाओगे नहीं, ठीक है, हाँ मेहनत करते उस फील्ड में आगे बढ़ते, या चलो लिखा हुआ था कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है, और क्या बन गए, और ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया ड्राइवर वाला, ठीक है, ट्रक ड्राइवर का तुम लेना शुरू कर दिया ट्रेनिंग, ठीक है, क्या तुम डॉक्टर बन जाओगे, नहीं, ठीक है, तो हमें वो रॉ मटेरियल्स भी चाहिए उसके साथ साथ। ठीक है, हमें उस किस्मत के साथ, उस इन्फॉर्मेशन के साथ हमें वो रॉ मटेरियल्स भी चाहिए जिससे कि हमारा जो है वो, यानी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ना वो प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है हमारा एनसीईआरटी की, द न्यूक्लियस प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है न्यूक्लियस के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप, सेल किस तरह से डेवलप करेगा ये भी कौन डिटरमाइन करता है,
न्यूक्लियस से डेवलप करता है, ठीक है, एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, और मैच्योर होने पे वो सेल कैसा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स की बात करें, हीमोपोएटिक रेड से बना रहे हैं सोचा ना, यानी ये ब्लड सेल्स, ठीक है, हीमोपोएटिक ब्लड रिलेटेड होगा, हीमोपोएटिक हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ये पाए जाते हैं तुम्हारे बोन मैरो में, ठीक है। ये वैसे सेल्स हैं जिसके पास एबिलिटी है तीनों तरह के ब्लड सेल्स को डेवलप करने का, इनके पास एबिलिटी है ये आरबीसी भी बना सकते हैं, ये डब्ल्यूबीसी भी बना सकते हैं, और ये भी प्लेटलेट्स भी बना सकते हैं। इनके पास तीनों ही तरह के सेल्स को बनाने का क्या है काबिलियत, ठीक है। तो आखिर इस सेल को कैसे पता है कि मुझे आरबीसी भी बनाना है, यही सेल देखो डब्ल्यूबीसी बना सकता है और यही प्लेटलेट्स भी बना सकता है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस है जो क्या करता है इन सेल्स को डायरेक्शन देता है कि तुम्हें क्या बनाना है, ठीक है। जिसका भी मैसेज आता है इन सेल्स के पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हमारी बॉडी में, ठीक है, आरबीसी की कमी हो जाती है, जब ब्लड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस केस में हमारे किडनी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, किडनी के उस जो सेल्स होते हैं ना उनको हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं, किडनी पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। किडनी के जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि आरबीसी की जो हमारी ब्लड है ना ब्लड की वॉल्यूम में आरबीसी की कमी है, ठीक है। जब इसको ये सेंस कर लेते हैं तो क्या करते हैं एक्चुअली में ये जो है एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि किडनी सेल्स रिलीज करते हैं ब्लड में, हार्मोन से तो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। हार्मोन होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने सिक्रीशन को ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है, और ब्लड से वो फ्लो करके कहाँ पहुँचते हैं अपने टारगेट साइट तक पहुँचते हैं, ठीक है। तुम लोग बोल सकते हो ऐसा नहीं बोल सकते है ना, तुम लोग का प्रेजेंस दिखना चाहिए ना। तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है ये क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद अपने टारगेट साइट तक पहुँचता है, और इसका टारगेट साइट होता है यही हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो कि पाया जाता है बोन मैरो में। स्टार्टिंग में जब एक छोटा बच्चा, ठीक है, जब डेवलप हो रहा होता है उस स्टेज में बोन मैरो उसका डेवलप अच्छी तरह से नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है लीवर में, यानी एक छोटे बेबी का जो आरबीसी है ना वो लीवर में बनता है, ठीक है, जबकि हमें जब एडल्ट हो जाता है बेबी तब बोन मैरो में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर लीवर वो एबिलिटी खो देता है क्योंकि लीवर को फिर और भी कई सारे काम संभालने होते हैं, ठीक है। तो इस हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के पास ये एरिथ्रोपोएटिन आता है, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन आता है, देखो इसके रिसेप्टर होते हैं, हर हार्मोन का अपने टारगेट साइट वाले सेल पे अपने टारगेट सेल पे इसका रिसेप्टर होता है, बता चुके हैं इसी चीज पहले, है ना, कि हर हार्मोन्स का हार्मोन्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे अपने रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ हार्मोन जो है उनका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है और कुछ हार्मोन्स का रिसेप्टर सेल के ऊपर ही होता है, उसके मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हार्मोन्स, अब हार्मोन्स दो तरह के होते हैं जान लो, एक होता है स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन क्योंकि साइज में छोटे होते हैं और ये होते हैं लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, यानी लिपिड में घुल जाते हैं, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और दूसरे होते हैं, दूसरे टाइप के ये होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन ये साइज में काफी बड़े होते हैं और ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तब यहां से तुम पहचान सकते हो, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन जो है वो सेल के अंदर जा सकता है, ठीक है, कौन सा जाएगा, क्या लगता है वो जाएगा स्टेरॉयडल हार्मोन, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना हुआ है तो उस पे आराम से डिसॉल्व हो जाएगा और अपने और सेल के अंदर चला जाएगा, यानी इसका एक्शन सेल के अंदर होता है, जबकि जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये साइज में काफी बड़े होते हैं और ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं तो ये सेल के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए इनका रिसेप्टर हमारे सेल के मेम्ब्रेन पे ही होता है। तो पेप्टाइड हार्मोन देखो इस तरह का स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है, ये होते हैं पेप्टाइड हार्मोन और ये हो गया और ये जैसे इनसे बाइंड करता है, ठीक है, तो देखो ये जो रिसेप्टर है ना इसका इसको बोलते हैं बाइटॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसका दो डोमेन होता है, एक डोमेन बाहर की तरफ होता है, एक डोमेन अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और जैसे ही ये हार्मोन जो है बाइंड करता है रिसेप्टर से,
इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसके जो रिसेप्टर होते हैं ना इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और जो कई सारे केमिकल चेंजेस को यानी सेल के अंदर कई सारे केमिकल चेंजेस को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से ये सेल को जो है फाइनली इंफॉर्मेशन पहुंचता है कहां, इसके डीएनए के पास, और डीएनए समझ जाता है कि हाँ कुछ इंफॉर्मेशन आया है, क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए और सेल्स को बनाने के लिए, किस तरह के सेल्स को, आरबीसी को बनाने के लिए, ठीक है। आरबी एरिथ्रोपोएटिन जो है सिर्फ देखो नाम ही है, एरिथ्रोसाइट्स याद होगा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स को फॉर्म करने के लिए सिग्नल आएगा, ठीक है। तो ये सेल क्या करेंगे, ये वो हेमोफिलिक स्टेम सेल है, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर अगर ये डिवाइड करके आरबीसी बना दिया तब तो ये खत्म हो गया, अगर ये डिवाइड किया मान लो, ठीक है, अगर ये डिवाइड कर गया और ये दो आरबीसी बना दिया, सर दो आरबीसी बन गया फिर तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स खत्म हो गया, इस प्रकार तो खत्म हो जाना चाहिए एक टाइम के बाद सारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब ये डिवाइड करते हैं ना, ध्यान दो, जब ये डिवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही बन जाएगा आरबीसी, ठीक है, एक उसमें से वही रह जाएगा दूसरा आरबीसी बन जाएगा, ठीक है, एक उसमें से वही रह जाएगा। हाँ बोन मैरो बनेगा, ठीक है, जो उसको बनाना है जिसके लिए सिग्नल आया है, या तो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, जिसके लिए भी सिग्नल आएगा वो बनाएगा वो। बोन मैरो की सेल ही डिवाइड करता है। हाँ बोन मैरो का ही सेल होता है, ठीक है, बोन मैरो के ही सेल्स होते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। अब वो सेल जब डिवाइड करेगा, ठीक है, उनमें से एक सेल तो वही रह जाएगा क्योंकि खत्म नहीं होना है, इसको बचा के रखना है अपना अस्तित्व, ठीक है, ताकि आगे और भी काम देगा ना, इसको अपना अस्तित्व बचा के रखना है। कैसे करेगा ये एक तो बचा के रखेगा और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आरबीसी, ठीक है, एक तो भैया बन चुका है, ये फिर से रिप्लेस हो गया, रिकवर हो गया, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही होता है जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, याद होगा, है ना, सिमिलर हैपेंस इन टेस्टिस, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया याद होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड करते हैं और स्पर्म सेल्स बनाते हैं तो पूरी तरह से वो चारों स्पर्म सेल्स नहीं बन जाता है, ठीक है, उनमें से कुछ सेल्स रिकवर हो जाते हैं यानी वो बैक हो जाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्पर्म को बनाने के लिए, ताकि आगे भी क्या हो सके, फर्दर इन फ्यूचर स्पर्म का जब जरूरत पड़े तो वो उसको फॉर्म कर सके, तभी तो, ठीक है, तभी तो चाहे बॉडी से कितना भी स्पर्म बाहर निकल जाए, ठीक है, एक पर्सन कितना भी ज्यादा रिप्रोडक्शन करे, ठीक है, स्पर्म कभी भी खत्म नहीं होते हैं बॉडी में, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है कुछ सेल्स को रिकवर कर लेती है, अपने पास रखती है, जिससे कि वो आगे क्या कर सके, उसको जो है फ्यूचर में यूज कर सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है न्यूक्लियस जो है कई सारे फंक्शंस में रोल प्ले करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में जो सेल का न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल का रीजन, ठीक है, वो पुअरली डेवलप होता है, इट मीन्स उनके जेनेटिक मटेरियल के बाहर किसी भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, यानी सिंपली बोले तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं यानी उनका डीएनए वो क्या होता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता रहता है, ठीक है, उनमें जो है न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है, ठीक है। हम बताए थे इसको जो है एज्यूम करने के लिए मतलब जो है जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल को तुम समझ सकते हो एक ऐसा धर्मशाला समझ लो या होटल समझ लो जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, कमरे नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब कुछ खुले में हो रहा है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो कि फाइव स्टार होटल की तरह है, इमेजिन करने बोले थे ना, जहाँ मैनेजर का भी यानी यही जो है डीएनए जो मैनेजर है, ठीक है, इस होटल का जिसके पास स्पेशल एक कमरा है, स्पेशल उसको एक कमरा दे दिया गया है जहाँ पे वो आराम से ठहर सकता है, इनफैक्ट खुद तो बाहर पानी लेने भी नहीं आता है, ठीक है, सब कुछ मैसेज भेजेगा रिंग रिंग है ना घंटी बजाकर, सब कुछ इस काम इसका अंदर बैठे बैठे हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ गरीब ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, उनमें जो होता है सेल का न्यूक्लियर रीजन वो क्या होता है पुअरली डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और यही वो रीजन है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसका डीएनए को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ठीक है,
तो डीएनए जो है अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्ट नहीं होगा ठीक है, तो हम आसानी से सन की अल्ट्रा वायलेट रेज के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, जिससे कि हमारा जीन म्यूटेट कर जाएगा, हमारा डीएनए म्यूटेट कर जाएगा और हमारे सेल्स मर जाएंगे ठीक है। इस यही वजह है कि हम बताए थे कि यही वजह होता है कि हमारे सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, हमारे खासकर स्किन सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं ठीक है, उनकी चारों तरफ मेलानिन का डिपोजिशन होता है ठीक है। हमारे स्किन सेल्स को देखो, अगर स्किन सेल हमारा है, हम ये अगर मान लो स्किन सेल हमारा है और ये स्किन सेल का न्यूक्लियस है, तो स्किन सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ मेलानिन का डिपोजिशन होता है ठीक है, मेलानिन का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से देखो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक तो बाहर में है पहले सेल मेम्ब्रेन ठीक है, उसके ऊपर फिर वैक्सीन लेयर है ठीक है, अंदर आए तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म पे होगा, साथ ही साथ यहाँ पे देखो मेलानिन का एक मोटा थिक डिपोजिशन है, फिर अंदर इसके अंदर आएंगे तो डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और तब जाकर के अंदर मेरा क्या है डीएनए है, इतना सारा लेयर से इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन बेचारा जो प्रोकैरियोट से है वो तो बड़ा सिंपल है, उसका डीएनए खुले में घूम रहा है, खुले में घूमेगा तो क्या होगा, हमारा तो जाएगा ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रे जो है आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है किसको, प्रोकैरियोट्स को ठीक है। लेकिन अगर उनके मरने का संख्या बहुत ज़्यादा है, मरने का रेट बहुत ज़्यादा है, तो उनके डिवाइड करने का, रिप्रोड्यूस करने का रेट भी उतना ही ज़्यादा है ठीक है, उतना ही ज़्यादा है प्रोकैरियोट्स के डिवाइड करने का भी रेट ठीक है। बिल्कुल नहीं, प्रोकैरियोट्स में मेलानिन नहीं होता ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, देखो लिखा है यहाँ पे कि इस तरह के जो सेल्स होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है और उनके न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए या फिर आरएनए ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मीन्स क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए दोनों को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर नाम के ठीक है, ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फ्रेडरिक मिशर 1969 में ठीक है, 1969 में उन्होंने क्या किया, जो पस सेल होता है, पस जानते हो ठीक है, पस सेल होता है ना, उसके डब्ल्यूबीसी में ठीक है, उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया, इसके जिक्र किसका जिक्र कर रहे थे अभी, न्यूक्लिक एसिड का है ना, तो उन्होंने क्या किया डब्ल्यूबीसी के पस सेल्स में जो है एसिड लाइक सब्सटेंस को जो है ऑब्जर्व किया, एसिड लाइक सब्सटेंस, एसिड लाइक सब्सटेंस मींस जिसके पास प्रॉपर्टी एसिड क्या होता है, जो कि एच प्लस सिक्सटीन करे, एच प्लस आयन को रिलीज करे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में यानी सिंपली बोले तो वाटर में ये H प्लस और Cl माइनस में घुल जाता है, देखो H प्लस रिलीज किया ठीक है। और एग्जांपल देखिए अगर हम तो H2SO4 ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस में ठीक है, देखो फिर से H प्लस रिलीज किया, और देखो HNO3 ये टूटेगा नाइट्रिक एसिड है, ये भी टूट जाएगा एच प्लस एनओ थ्री माइनस ठीक है, यानी वैसे सारे सब्सटेंस जो कि एच प्लस सिक्रीट करें रिलीज करें ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में बोलते हैं एसिड। तो बोलोगे सर कि डीएनए में कौन सा एसिड होता है, तो डीएनए में भी एसिड होता है, याद करो डीएनए बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड का ठीक है, डीएनए बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि पता है कि डीएनए जो है एक पॉलीमर है ठीक है, वो कई सारे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एक बहुत लंबा डीएनए जो है वो चेन होता है न्यूक्लियोटाइड का ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये बना हुआ होता है तीन चीजों से मिलकर, बेस, सुगर और फास्फेट ठीक है, यही वो फास्फेट है। ये फास्फेट बना कैसे, देखो कैसे बना, एक्चुअली ये पहले था फॉस्फोरिक एसिड, ध्यान दो ये पहले था फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4 ठीक है, H3PO4 जो होता है ये होता है किसका फॉर्मूला, फॉस्फोरिक एसिड का ठीक है। अब क्या होता है, यह फॉस्फोरिक एसिड जो है क्या रिलीज करेगा, इस तीन H प्लस को जो है यहां से रिलीज कर देगा, H प्लस ठीक है, क्या बच जाएगा यहां पे देखो PO4 3 माइनस कैसे आया, क्योंकि एक यानी एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों लूज किया है, तो ये किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, इसलिए डाला है यहाँ पे 3 नेगेटिव, मतलब कि ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है तीन हाइड्रोजन एटम्स ठीक है। फ्रेडरिक मिशर को जो है एसिड लाइक सब्सटेंस दिखा ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था किसके, डब्ल्यूबीसी के पस सेल्स में, सॉरी पस सेल्स के जो पस सेल्स होते हैं ना उनमें ऑब्जर्व किया था उन्होंने एसिड लाइक सब्सटेंस
तब से उन्होंने नाम दिया उसको न्यूक्लिक एसिड। उस टाइम डीएनए आरएनए पता नहीं था, उस टाइम पता था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बाद में पता चला कि दो तरह का होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड, ध्यान दो क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। और ये दो तरह के होते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए भी तो होता है न्यूक्लियोटाइड का चेन और आरएनए भी होता है न्यूक्लियोटाइड का चेन, और अगर न्यूक्लियोटाइड है तो ये फॉस्फोरिक एसिड तो होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर है, यस, ठीक। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में जिनमें की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, वैसे सेल्स, ठीक है, या वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जिनके सेल्स में उनका जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं होते, ठीक है, काफी उनका बॉडी सिंपल होता है। और क्या डिफरेंसेस हो सकता है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, प्रोकैरियोट्स काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है राइबोसोम का, राइबोसोम को छोड़कर और कोई भी सेल ऑर्गेनेल उनके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और बताओ और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में स्मॉल होते हैं, ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में और 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। ये अभी मत समझो कि ये एस क्या होता है, ठीक है, बस याद रखो एस जो है एक वैज्ञानिक का भी नाम है जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, उनका नाम है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग, ठीक है, इसको हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, वहीं से नाम आया एस से एस, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा है, ठीक है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इस एस का दो दो मतलब होता है, पहला डिस्कवरर उनका और दूसरा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। चलो अगर जानना ही है तुमको कि क्या होता है एस तो थोड़ा सा बता देते हैं, देखो इस एस का मतलब होता है एक्चुअली में सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और इसका वैल्यू जो है ये होता है 10^-13 सेकंड, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 10^-13 सेकंड, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो ध्यान से, अब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल लेंगे और एक यूकैरियोटिक सेल लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, हम लेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल और फिर लेंगे एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, दोनों के ही राइबोसोम को बाहर निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजर, ठीक है, एक मशीन होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन भी बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। और ये सेट होता है एक मोटर पे, ध्यान दो, एक मोटर पे ये सेट होती है, ठीक है, एक मोटर पे ये सेट होती है, ठीक है। अब होता क्या है, इस डब्बे के अंदर, इस कंटेनर के अंदर कई सारे टेस्ट ट्यूब लगे होते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान दो, यानी देखो ये कुछ इस तरह से जाएगा ऊपर की तरफ और इससे जो है कई सारे टेस्ट ट्यूब अटैच होंगे इस तरह से, समझ आ रहा है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब कई सारे अटैच होंगे, इसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर, नॉट टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है अटैच होगा इससे। और जब इस मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पीड का ना रेगुलेटर होता है, आरपीएम बोलते हैं उसको, रोटेशन पर मिनट, कि एक मिनट में तुम कितना बार रोटेट करवाना चाहते हो इसको, ठीक है, एक मिनट में 40,000 बार, 1,00,000 बार, 2,00,000 बार, ठीक है, उस तरह से तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो, उसको आरपीएम बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना बार रोटेट करता है, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम एक बीकर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को डालेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। और डालने के बाद हम इसे जब यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में, सेंट्रीफ्यूज मशीन के टेस्ट ट्यूब होल्डर में इस टेस्ट ट्यूब को जब रखेंगे, ठीक है, और जब इसको हम घुमाएंगे यहाँ से, ठीक है, ऑन करेंगे, तो जितना टाइम में, ध्यान दो, जितना टाइम में इसका यानी प्रोकैरियोट के राइबोसोम का सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन मीन्स जितना देर में वो सेटल हो जाएगा, इस बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एक्चुअली होता क्या है, 70×10^-13 सेकेंड पे प्रोकैरियोट के राइबोसोम का सेडिमेंटेशन हो जाता है,
ध्यान दो, 70 × 10⁻³ सेकंड पे प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम का क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, यानी वो नीचे आकर सेटल हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह से पूरा, ठीक है। और इसलिए नाम पड़ा है 70S राइबोसोम, समझ आ रहा है, क्लियर है। 10⁻³ सेकंड का मतलब क्या, ये हो गया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसको ले लिए हम, अब 70 × 10⁻³ सेकंड पे हो जाएगा सेडिमेंटेशन, तो बोलेंगे 70S राइबोसोम। अब यूकेरियोट्स का क्या होता है, यानी 80 × 10⁻³ सेकंड पे अगर सेडिमेंटेशन हो जाए तो बोलेंगे 80S राइबोसोम, क्लियर है। अच्छा पढ़ना था ये 11th में, अच्छा 11th में तो बहुत कुछ पढ़ना था, चलो तो आज का है ना जो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में।